भैया जी आप थोड़ा सा इसमें अपना नाम और गांव का नाम बता दो। मेरा नाम अतुल त्यागी है जी, खरकोटा का रहने वाला हूँ। तो आप मेसी ही रखो पहले से? हाँ जी, पहले हम पे फादर मेसी जी 1035। तो आप मेसी से खुश हो? बढ़िया पूरे। कुछ ऐसी दिक्कत विक्कत हो मेसी में जो बताना चाह रहे हो? हाँ जी, बस कुछ बिल्कुल सही। आलू बोने वाले किसान है, डीलर है, सही कह रहे हैं आप। और मशीन के लिए और डीलर के लिए सबसे बढ़िया है बिल्कुल। भाइयों जैसे भी मैंने आज यहाँ इतने किसान मिले, मैंने सबसे पूछा तो सभी ने जो है ट्रैक्टर की तारीफ करी। पहले बुजुर्ग हमारे कह रहे थे ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर मैसी और घी में घी देसी, बस यही कहावत है उनकी, बहुत बढ़िया लगा। भैया जी आप थोड़ा सा अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमित प्रधान है। अमित प्रधान, आप भी मैसी रखते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया जी? अमित प्रधान, लालपुर। लालपुर से आप भी मैसी ट्रैक्टर रखते हो? मैसी ट्रैक्टर रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सर। भाइयों एक किसान भाई हमारे और हैं जो बिल्कुल यहाँ मिले मुझे डेमो में, मैंने पूछा। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आप भैया थोड़ा सा इसमें अपना नाम बता दो। सुनील कुमार, सुखवीर सिंह ग्राम कवट्टा। कवट्टा से जी। तो भैया आप मैसी कब से चला रहे? बचपन से चला रहे हैं, जैसा होशिमाला है मैसी चला रहे। 20-22 में ट्रैक्टर है मेरे भाई मैसी, और दूसरा नहीं मतलब? नहीं जी कोई नहीं। अच्छा, खुश हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। बस थोड़ा सा तेल खा, कोई बात नहीं। हाँ जी। और ये छतरी वगैरह कहाँ लगवाई आपने? हिरनपुरा चौकी पे, सिद्धू गए, सचिन सिद्धू गए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत ही शौकीन किसान है और ट्रैक्टर है इनके पास में 245 हमारे वाले जो हमारे पास भी है। भाई ये कोल्ड ड्रिंक कंपटीशन हो रहा है अभी यहाँ पे। भाइयों 1956 मॉडल के ओनर जो हैं उन्हें राजधानी ट्रैक्टर की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है पगड़ी बांध के, और ये एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सभी के सम्मान में। मैथी पर हमने सभी किसान भाइयों यहाँ पे जो है प्रोग्राम चल रहा है, और ये देख लो ये मैसी का 1956 मॉडल है और इसमें पीछे सलेंसर है, और ये देख लो आप इसका पंप कितना बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं। डीजल चलने वाला है, इसका पंप भी दोस्तों चेंज है अलग। इसमें अंकल जी पायदान आए नहीं थे पहले से, ये ऐसे ही है। ये देख लो आप इसमें सेल्फ लीवर में ही है जी। हाँ लीवर में इसका सेल्फ तो सेल्फ लगेगी। ये देख लो आप, अच्छा सुंदर लग रहा है। और ये जो है ना यहाँ से साइलेंसर जा रहा दोस्तों, इसका पीछे जा रहा बिल्कुल, वहाँ निकल रहा। मैं थोड़ा सा पीछे से दिखा दूँ, और इसके अगले टायर भी बारीक है, ये देख सकते हैं आप। ये साइलेंसर जो है इसका यहाँ पे आके निकल रहा है नीचे बिल्कुल पीछे, और ये इंग्लिश टीलर है वो है इसका हिच, ये यहाँ लोक हो जाता है, ऐसा ही यहाँ डल जाता है, बहुत बढ़िया। और ये स्प्रिंग सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों, ये डीजल है, डीजल वाला मॉडल है ये पेट्रोल मॉडल था। और ये देख सकते हैं आप एयर कैसे जा रहा है ऐसे घूमकर, डीजल ही ये ओरिजिनल है 1956 मॉडल, बहुत ही गजब। अब दोस्तों भाइयों यहाँ पे जो है डेमोस्ट्रेशन में हमारे भैया एक मॉडल और लेकर आए थे, ये 245 DI मैसी फर्गूसन का है, जिस 46 HP रेंज का, जिसका लेफ्ट तरफ साइड में साइलेंसर है और पावर स्टेरिंग के साथ में ट्रैक्टर आया है। फ्रंट टायर 616 के हैं, पिछले टायर में 13-6-28 के हैं। इसकी जानकारी लेंगे हम भैया से।
तो भैया जी नमस्कार, आप थोड़ा सा इसमें अपना गांव और अपना नाम बता दो थोड़ा सा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और मैं संजय कुमार त्यागी अतराल निवासी से बोल रहा हूँ। आप सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है, देखो मैं ऐसी कंपनी ही पहले से एक ऐसी कंपनी है कि जिसने ब्रांडेड ही ट्रैक्टर दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और लिफ्ट के मामले में तो इससे ऊपर कोई कंपनी ही नहीं बनी है, नहीं बनी ऐसी लिफ्ट मशीनें दी है। और जो अब जब से ये तुम्हारे PDI हैं, प्लांटरी प्लस हैं, तो इनमें बहुत बड़ी सुविधा ये कर दी। पिछला जो है टोटल सारा मतलब जो है ये चेंज कर दिया जी, ये चेंज कर दिया जी। और इसमें जो है और एक ये PTO चेंज कर दी, PTO जो है इसमें जो है 500 PTO दे दी है, 4 उसमें लाइफ PTO और GR PTO, GS PTO और तुम्हारी जो है MS PTO हाँ जी, और लाइव PTO बहुत बढ़िया। और 4 PTO से अभी डेमो में दिखाया था, उसमें बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे मान लो हम अपना आलू बो रहे हैं या अपना गेहूँ बो रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे हमारा इम्प्लीमेंट है उसी के अनुसार से हम अपने ट्रैक्टर की चक्कर बना सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। और जैसे ये 5 गियर है, पहले 4 गियर आ रही थी, तो अब मतलब क्या फायदा मिल रहा है इसमें? ये कि इसमें हमारी स्पीड बढ़ गई है और एवरेज इसका डीजल का घट गया, एवरेज का घट गया, तो चलाने में भी बिल्कुल गाड़ी की तरह चलाने में समझो बिल्कुल ईजी है। जब से पावर स्टीयरिंग आया है ये समझो जैसे बहुत ईजी है, नो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। दोस्तों ये देख सकते हैं इसका जो फ्रंट एक्सल है बिल्कुल सीधा है, हैवी ड्यूटी में है। और इसका फ्रंट लुक देखो आप कितना प्यारा लग रहा है ट्रैक्टर का, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों मैसी का जो है डेमोन्स्ट्रेशन निमट गया है बिल्कुल, और ये मेन हाईवे पर था यहाँ पे खरकोद्दा के यहाँ पे। और अगर किसी भाई को मैसी से संबंधित जानकारी लेनी हो तो आप मैसी के डीलर हैं मोदीपुरम के राजधानी ट्रैक्टर, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ में जो है मैसी से हैं जी। सर नमस्कार, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो इसमें। मेरा नाम हरी सिंह चौहान है, मैं टैपी में 20 साल से काम कर रहा हूँ, मार्केट डेवलपमेंट जी ऑल इंडिया। तो सर आप इसकी जानकारी दो हमें, जैसे आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इसमें आपके हिसाब से आपने 244 ट्रैक्टर जो दिखाया है जी। इसकी खूबी भी आपको ने दिखाई है बहुत ज्यादा। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम था, हाँ जी, ये MID थी, मल्टी इम्प्लीमेंट डेमो, ठीक है जी, जिसमें हमने 5118 से लेकर के और अपना 245 50 HP तक का ट्रैक्टर, 241 42 HP जी, और 244 44 HP जी, जो सारे ट्रैक्टर चला करके भी दिखाए हैं, उस सारे ट्रैक्टरों के बारे में समझाया है कंपनी ने क्या क्या इसमें चेंज किया है, क्या क्या नया आया है, कैसे दूसरे से अच्छा है और कैसे आपके लिए ये डीजल की बचत करेगा, कैसे आपको कौन सा इम्प्लीमेंट कैसे चलाना है, वो सारी जानकारी आज हमने यहाँ पे दी है। हमारा मेन मकसद यही था आज की इस एक्टिविटी का। तो जो कोई भी समस्या किसान भाइयों को आएगी तो उसका समाधान जो होगा जी, उसके बारे में भी आपने मतलब काफी बात बताई, लोगों ने काफी चीजें पूछी हैं तो पूछी हाँ। बताया है कुछ चीजें ऐसी थी जैसे सेंसिंग को लेकर के, DC लीवर को लेकर के, कैसे यूज करना, कैसे चलाना जी, काफी काफी टाइम हो गया उनको नहीं पता था, तो उसके बारे में भी हमने पूरा उनको डिटेल में अच्छे से समझाया बताया है, जो तो समझने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने चला करके देखा तो बोले कि वाकई पहले से बहुत फर्क है, ये चीज़ हमें पहले नहीं पता था जी। तो आपने हमारा तो मेन मकसद यही है, जो जानकारी नहीं है वो हम जानकारी दें, और फील्ड में अगर हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत हम दूर कर सकें जी। तो आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।